देखिए, भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी वर्ल्ड लेवल पर डिस्कस की जाती है। कश्मीर इशू के अलावा दोनों देशों के बीच आतंकवाद और जासूसी को लेकर भी हाई लेवल कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। जहां भारत पीओके और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेरता है, तो वहीं पाकिस्तानी टेररिस्ट और वहां की सेना भारत से दुश्मनी निकालने में लगे रहते हैं। ऐसी कंडीशन में सोचना कि भारत और पाकिस्तान साथ में आकर एक अलायंस बनाएंगे और वो भी डिफेंस अलायंस, ये इम्पॉसिबल सा लगता है, जिसे ईरान ने एक बार पॉसिबल बनाने की कोशिश भी की थी। दरअसल ईरान ने यह कहा था कि भाई वो खाड़ी में न्यू अलायंस बनाना चाहता है। इसके लिए वो खाड़ी के तीन देशों के साथ साथ भारत और पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस को भी शामिल करेगा। लेकिन क्या सच में भारत और पाकिस्तान नेवी का महागठबंधन हो सकता है, और अगर हाँ तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस सामने आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, भारत पाक को एक साथ लाने की बात उठी कैसे? इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की नेवी के साथ इंडियन नेवी का डिफेंस अलायंस बनाना कितना डेंजरस हो सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इम्पोर्टेंट डिस्कशन को शुरू कर दें। दोस्तों, इस पूरे प्लान की शुरुआत होती है गल्फ रीजन में हुए एक घटना से। दरअसल कुछ महीने पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी के यूएई के ऑयल टैंकर को ईरान ने जब्त कर लिया था, और अमेरिका ने इसको लेकर ईरान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते यूएई अमेरिका से इतना नाराज हुआ कि भाई उसने उस टास्क फोर्स में शामिल होने से इनकार ही कर दिया जो अमेरिकी नेवी के अंडर काम करती थी। यहाँ पर आपको बता दें कि टास्क फोर्स में शामिल होने वाले सभी देश मिलकर गल्फ रीजन में शिप्स की सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। यूएस लेड 38 देशों की ये टास्क फोर्स एक नेवल डिफेंस अलायंस है जो बेहतरीन नेवल बेस से ऑपरेट की जाती है। अब यूएई ने तो इससे दूरी बना ली थी, जिसके बाद फारस की खाड़ी के देशों के बीच सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा चैलेंजिंग इशू खड़ा हो गया था, और ये ईरान के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं था। इसलिए बिना किसी देरी के ईरान ने नेवल अलायंस के फॉर्मेशन की बात कह दी, जिसे लेकर ईरानी नौसेना के कमांडर ने कहा था कि भाई ईरान, सऊदी अरब और गल्फ के तीन और देश की नेवी के साथ मिलकर एक डिफेंस गठबंधन बनाएगा। इसके अलावा ईरानी मीडिया की ओर से यह भी दावा किया गया था कि इस अलायंस में भारत और पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही ईरानी नौसेना के कमांडर शहराम ईरानी ने भी इस मामले को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि इस रीजन के देश ये अब समझ चुके हैं कि एक दूसरे के सहयोग से ही सभी को सुरक्षा मिल सकती है, इसलिए ये डिफेंस अलायंस जल्द ही बना लिया जाएगा। हालांकि ईरानी कमांडर ने ये क्लियर नहीं किया कि ईरानी नेवी का ये गठबंधन किस तरह होगा। अब यहाँ पर एक और बात आपको बता दें कि लंबे समय से खाड़ी के कई देशों के साथ ईरान का विवाद चल रहा है, जिसे वो अब खत्म करना चाहता है, और साथ ही साथ वो इन देशों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत देने की फिराक में भी है, बिल्कुल अंबुजा सीमेंट की तरह। जी हाँ, इस डायरेक्शन में उसने एक बड़ा कदम उठाया था। दरअसल ईरान ने चीन की मदद से सऊदी के साथ चल रही अपनी सालों पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया, जिसमें सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान और ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान ने बीजिंग में मुलाकात की, जब रमजान के महीने में सालों की दुश्मनी को भूलकर दो कट्टर मुस्लिम देशों ने हाथ मिलाया। तो ये अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाली बात थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों की मुलाकात के पीछे चीन का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा ईरान की न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों ने दूतावास को लेकर भी चर्चा की। गौर करने वाली बात यहाँ पर साहब ये है कि पिछले 7 सालों में दोनों देशों के नेताओं की ये पहली ऑफिशियल मुलाकात थी। तब भारत और पाकिस्तान को गठबंधन में शामिल करने को लेकर भी बात हुई। ईरानी नौसेना के कमांडर शहराम का कहना था कि भाई इस नेवल अलायंस में यूएई, बहरीन, कतर, इराक, पाकिस्तान और भारत को भी शामिल किया जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस अलायंस के पीछे ईरान का मकसद अमेरिकी गठबंधन में शामिल देशों को अपने साथ लाने का था। ईरान ने यह प्लान इस तरह से डेवलप किया था जिससे गल्फ रीजन में अमेरिका की प्रेजेंस को कम करने का भी काम हो जाए, इंडियन ओशन के रीजन में ईरान की प्रेजेंस बढ़ जाए। बता दूं कि इससे पहले ईरान रूस और चीन की नौसेना के साथ मिलकर भी काम कर चुका है। खैर, ईरान के पास अमेरिकी गठबंधन के सैनिकों को अपनी ओर करने का ये सबसे सही मौका था, क्योंकि गल्फ रीजन के कुछ देश उस वक्त अमेरिकी की फॉरेन पॉलिसी से खफा थे और उसे इग्नोर कर रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान भी उस वक्त अमेरिका से नाराज चल रहा था, क्योंकि उसके देश में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस को सुलझाने में अमेरिका ने कोई मदद नहीं की। इसके अलावा इन दिनों ईरान और चीन के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे थे। इन सब के कारण ही पाकिस्तान को ईरान आसानी से अपने अलायंस का हिस्सा बना सकता था। लेकिन इन सब के बावजूद स्पेशली इंडियन ओशियन रीजन में कोई भी अलायंस और उसका प्लान तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसमें इंडिया शामिल ना हो, और यही वजह है साहब
कि ईरान की ओर से गठबंधन बनाने का प्रपोजल भारत और पाकिस्तान को भी भेजा गया है। वहीं भारत को इस अलायंस में शामिल करने के लिए ईरान ने ब्रिक्स के साथ अपने ऑपरेशन को बढ़ाने की भी बात कही। ईरान के मुताबिक ब्रिक्स वर्ल्ड का एक उभरता हुआ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत और चीन सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं। हालांकि ईरान के इस ऐलान के बाद अमेरिका और इसराइल दोनों नाराज दिखे, जहां एक और इसराइल ने ईरान को डिप्लोमेटिक लेवल पर आइसोलेट करने का प्लान बनाया जो आजकल कट्टर दुश्मन बने हुए हैं, तो वहीं अमेरिका उसकी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के मूड में नजर आया। आज भी अनबन दोनों देशों के बीच साफ दिखाई देती है। एक्चुअली ये ईरान, इसराइल और अमेरिका दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जब ईरान को खाड़ी के देशों के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखा जा रहा था तो अमेरिका की फोर्सेज ही ईरान के उनके डिफेंस में उसके सामने खड़ी होती थी। लेकिन ईरान खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के इन्फ्लुएंस को खत्म करने और मुस्लिम देशों से मेल जोल बढ़ाने के चक्कर में जो नया प्लान बना रहा था, इसने अमेरिका और ईरान के रिश्तों के बीच जहर का काम किया। खैर दोस्तों, अब तक हमने ईरान और उसके अलायंस की बात तो कर ली, अब आपको समझाते हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान की नेवी एक साथ अलायंस कर सकती है। अब इतना तो हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी किस लेवल पर है। दोनों देशों के बीच कश्मीर के साथ साथ आतंकवाद भी बहुत गंभीर मुद्दा बना रहता है। दोनों देश एक दूसरे से आपस में एक दूसरे की जासूसी करने का भी आरोप लगाते हैं। आरोप ये भी लगाते हैं कि पाकिस्तान भारत की सीक्रेट इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन को चोरी करने की कोशिश करता है। वहीं पाक का भी यही कहना है। दोनों में से कोई भी देश अपनी किसी भी खुफिया जानकारी को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहता, और अगर डिफेंस से जुड़ी जानकारी की बात करें तो इसे तो पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है। यही वो रीजंस हैं जिनके कारण भारत और पाकिस्तान दोनों ये कभी नहीं चाहते कि उनकी सेनाएं एक दूसरे के साथ कोई अलायंस करें। और अगर बात पाकिस्तान की करें तो ये भारत की डिफेंस सीक्रेसी पर हमेशा नजर रखता है कि इसे कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाए जिससे कि उनकी सेना भारत के खिलाफ कुछ साजिश करने में इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान की इस हरकत से भारत पूरी तरह से अवेयर रहता है, और इसलिए भारत अपनी डिफेंस फोर्सेस के नजदीक पाकिस्तानी फोर्सेस के लोगों को भटकने तक नहीं देना चाहता। हालांकि कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं जहां पर ये दोनों देश एक साथ स्टेज भी शेयर करते हैं, जैसे कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यानी कि SARC। लेकिन ये दोनों पॉलिटिकल संगठन हैं जिनका मेन मोटिव पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेक्टर्स में आपसी सहयोग को बढ़ाना है। जहां SCO चाइना लेड ग्रुप है तो SARC इंडिया और पाकिस्तान लेड ग्रुप है। SCO में चीन और रूस की इंपॉर्टेंट रोल होने के कारण इसके ऑपरेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन वहीं अगर SARC की बात करें तो इसके मेन प्लेयर्स भारत और पाकिस्तान ही हैं, जिनके बीच आपसी विवाद होने के कारण ये एक इनएक्टिव और सिर्फ नाम का ग्रुप बनकर रह गया है। क्योंकि पाकिस्तान भारत के साथ कोई मीटिंग नहीं करना चाहता, स्पेशली उस प्लेटफॉर्म पर जिस पर भारत का दबदबा सबसे ज्यादा हो। तो ऐसी कंडीशन में ये कहना आसान तो नहीं होगा साहब कि ईरान भारत और पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस को एक साथ लाकर एक अलायंस क्रिएट करके उसे ऑपरेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस के अलावा भारत और पाकिस्तान की सेनाओं को रूस ने 2020 में अपने यहाँ पर होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए इन्वाइट किया था। पहले तो भारत ने रूस के इन्विटेशन को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में चीन के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि भारत अगर किसी तीसरी कंट्री के साथ रिलेशन को अच्छा रखना चाहेगा तो वो पाकिस्तान के साथ आ भी सकता है, और किसी डिफेंस एक्सरसाइज और ऑपरेशन में पाकिस्तान के साथ पार्टिसिपेट भी कर सकता है। लेकिन भारत की ये सोच लॉन्ग टर्म डिफेंस अलायंस के लिए बदल भी सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कुछ दिनों की डिफेंस एक्सरसाइज में होना और लॉन्ग टर्म डिफेंस अलायंस का हिस्सा बनना दोनों अलग अलग बात है। हालांकि आजकल दोनों देश आपसी दुश्मनी भूलकर एक दूसरे की मदद जरूर करते नजर आए हैं। हाल ही में इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के 23 नाविकों को रेस्क्यू किया है जिन्हें सोमालिया ने बंदी बना लिया था। इससे पहले जनवरी में भी इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के 19 नाविकों की जान बचाई थी। वहीं पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहा, उन्होंने किसी जहाज को समुद्री लुटेरों से तो नहीं बचाया लेकिन समुद्र में फंसे 9 भारतीय नाविकों की जान जरूर बचाई। पाकिस्तान नेवी ने पाकिस्तान की मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया। इसमें ओशियन टर्क SAS-5 के चालक दल को रेस्क्यू किया गया, जो बड़ी ही हैरानी की बात थी। एटलीस्ट पाकिस्तान से किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी, भले ही इससे दोनों देशों में नजदीकी दिखाई दे रही हो लेकिन इससे दोनों सेनाओं में गठबंधन हो सकता है, ये बात अब भी थोड़ी मुश्किल ही लगती है।
खैर, ये देखने वाली बात होगी साहब कि क्या भारत और पाकिस्तान कभी साथ आ सकते हैं या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक मिरेकल ही होगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान को एक ही डिफेंस प्लेटफॉर्म पर साथ लाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? कॉमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।